नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज मैं एक क्वेश्चन का सलूशन करने वाला हूं। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों ने काफी ज्यादा मुझे फोन किया इस चीज के लिए। वो चाहते हैं कि उनके पास एक साइट्स की लिस्ट है जिसमें लाइव अपडेट होता है शेयर प्राइजेस की। जी हाँ, शेयर प्राइजेस लाइव अपडेट होता है, चाहे वो इसकी साइट हो, क्या बोलते हैं, रेडिफ की, मनी डॉट रेडिफ की साइट्स हो, या साइट्स हो आपकी जो मनी कंट्रोल डॉट कॉम है उसे। एनएसई इंडिया से मैंने ट्राई किया, एनएसई इंडिया से नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उसकी जो साइट की जो लाइव प्राइस है, वो लाइव प्राइस जो है, जैसे कि एसएससी को यहाँ पे 065 है, अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ तो सही भी है, लाइव प्राइस लिस्ट यहाँ पे आता रहे। तो चलिए, इसी को प्राइस लिस्ट को हम कैसे लेके आएंगे एक्सेल पे, हम बताते हैं आपको। हमने क्या किया, डेटा में गए, डेटा मेनू बार में फ्रॉम वेयर, और जो इंटरनेट का जो पाथ हमने देखा जहां पर मुझे प्राइस लिस्ट दिख रहे हैं, उस प्राइस लिस्ट पे आ गए। और उसके यूआरएल को यहां पे हमने पेस्ट कर दिया, एनएफटी 100 का हमने लिया है। हालांकि आप यहां से ग्रुप चेंज कर सकते हैं, और जो शेयर मार्केट यूज करते हैं उनको पता होगा कहां से प्राइस मिलती है। अब जहां से आपको प्राइस मिलती है उसके लिंक को लेके आए और यहां पे पेस्ट करें, कनेक्ट करें। और उसके बाद एक और विंडो खुल के आएगा जिसमें टेबल्स होंगे, तो टेबल जीरो में आपका पूरा डिटेल है। अब मैं इसको यहां से लोड कर देता हूं, तो पूरी ही पूरी जो हमारी rediff.com की साइट थी उसकी पूरी डेटा आपका यहां आ गया। ऊपर क्यूरी वाले कमांड में जाएं और इस पर इसको रिफ्रेश करें, तो यहां पे प्राइजेस अपडेट हो जाएगा, वेबसाइट वहां अपडेट होगा, यहां भी इसको अपडेट कर देगा इसने। हालांकि कोई अपडेट नहीं हो रहा है, तो यहां पे अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, मान लीजिए मुझे इसमें तो पूरा लिस्ट ऑफ आ गया, मुझे इसमें से पूरा नहीं चाहिए, मैं किसी पर्टिकुलर दो या तीन या चार लोगों के ऊपर हम ये करना चाहते हैं, तो यहां पे जो दिख रहा है क्यूरी कनेक्शन उस पर राइट क्लिक करें, या ये क्लिक करते यहां दिखेगा एडिट का ऑप्शन, एडिट पे आए। तो एडिट आने से आप देखेंगे कि यहां पे आपको क्यूरी एडिटर, पावर क्यूरी एडिटर खुल के चलाता है, उसमें जाए और जैसा आप एंटर करना चाहते हैं, इसमें मैं बजाज ऑटो करना चाहता हूं, एक्सिस बैंक करना चाहता हूं और साथ में स्टेट बैंक, तीनों करना चाहता हूं। तो उसको हम यहां से फिल्टर कर देंगे एंड ओके, फिल्टर आ गया एंड आपस में लोड एंड क्लोज करेंगे, तो अब यहां पे मात्र तीन ही रह जाएगा, बाकी हट जाएगा, ओनली फॉर थ्री। और जब मैं इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा तो ये आपका चेंज भी होगा। आई थिंक लग रहा है ये मार्केट से क्लोज है क्या, वेरीफाई करने के लिए आप किसी और साइट जैसे मनी कंट्रोल साइट या किसी से देख सकते हैं। मैंने शेयर प्राइस लिस्ट टुडे कर दिया हमने, तो ये आपका मनी कंट्रोल आ गया, तो इसमें लिस्ट है मार्केट का। बजाज ये तो टॉप है, टॉप है, टॉप है, इसमें निफ्टी सेलेक्ट करना, सॉरी मार्केट पे क्लिक करके एक बार मार्केट पे आ जाते हैं। अब यहां पे मैं इंडेक्स है, फिर निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक है, व्यू मोड पे आते हैं, तो यहां पे टॉप इंडिकेटर दिख जाएगा जो मुझे चाहिए। ये सेंसेक्स पे है फिलहाल, निफ्टी
लाइव मार्केट निफ्टी 100 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन साइट्स हैं, इस पर क्लिक कीजिए। ये आ गया आपके सारे प्राइस लिस्ट। अब इसको भी आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। कॉपी किया, दूसरे सीट पे आता हूँ, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके देखूँ, चेंज हुआ प्राइस? प्राइस हुई है, चेंज नहीं हुआ। अब मैं यहाँ सेम आता हूँ डेटा मेनू बार में, इसको यहाँ पे पेस्ट करके ओके करता हूँ। अभी मैं इस पे कोड लगा दूंगा कि हर एक मिनट पे चेंज होगा, और चेंज होने के बाद डेटा दूसरे सीट में कॉपी पेस्ट होता चला जाएगा। ये मैं लगा रहा हूँ, बस एक बार चेक कर रहा हूँ कि मैं लाइव मार्केट का लिंक है या नॉर्मल मार्केट का लिंक है। यहाँ पे लिस्ट आगे खुल के देखिए, टेबल आइडेंटिफाई कर रहा है। आ गया, इसे मैं टेबल जीरो को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ देखिए पूरा लिस्ट यहाँ पे दिख गया। अब मुझे अगर टोटल चाहिए तो लोड कर दूंगा, टोटल आ जाएगा, या फिर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे यहीं पे क्लिक करूंगा तो पावर क्यूरी मुझे खुल जाएगी। और पावर क्यूरी पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे कि आपको किसका चाहिए। मुझे एक्सिस बैंक का चाहिए, एक या एक से ज्यादा भी कर सकता हूँ, और यहाँ स्टेट बैंक है SBI का भी चाहिए। तो दो का फिल्टर हो गया, लोड एंड क्लोज कर दीजिए, यहां पे डेटा आ जाएगा। थोड़ा समय लेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें इसके लिए। आ गया 1544315, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखिए चेंज हो गया। तो मैं इस क्यूरी को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं ये रेडिव वाले को ही रखता हूँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन है इसलिए, ज्यादा है इसलिए। यहां से भी मैं इसको डिलीट कर देता हूं, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहां डेटा है, डेटा में हर एक मिनट पे एक कॉपी पेस्ट करता है, या मिनट, एक मिनट या पांच मिनट, आई कैन डिसाइड। तो अब सीट फोर पे जाके राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, व्यू कोड, और यहाँ पे वर्कशीट, और यहाँ पे सिलेक्शन चेंज के जगह पे चेंज का यूज हम करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे टारगेट
डॉट एंटायर रो डॉट कॉपी, और फिर शीट्स, शीट्स में आएंगे डेटा डॉट स्लैप, इसको एक्टिवेट करेंगे, रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 01 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे पेस्ट फॉर्मेट वैल्यू, सॉरी फॉर्मेट नहीं वैल्यू, और फिर एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, क्योंकि उसका ऊपर का जो हेडिंग होगा वो हमें डिलीट करना होगा, और सीट को यहाँ लेकर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, करना जरूरी होगा। बस ये लाइन कोड लिखना है, लेकिन इसके बाद आपको इस पे राइट क्लिक करके आपकी प्रॉपर्टी पे जाना होगा, और यहाँ रिफ्रेश एवरी 2 मिनट मैंने कर दिया कि हर 2 मिनट पे, 1 मिनट मिनिमम होता है, इसको यूज कर सकते हैं, देन ओके कर दीजिए। अब क्या होगा कि हर 2 मिनट में पूरा डेटा कॉपी होके चला जाएगा यहाँ पे, जो चेंज होगा उस पर। अब 2 मिनट टाइम पूरेगा तो होगा, तो 2 मिनट के लिए मैं पॉज कर देता। तो देखिए 2 मिनट बाद इसने डेटा में कॉपी कर दिया। इसमें डेटा ने कॉपी कर दिया। एक बार कोड को भी देख लेते हैं, कोड में कोई दिक्कत तो नहीं है। स्लैश अप पेस्ट स्पेशल तो हर 2 मिनट में डेटा को यहां से पेस्ट कर रहा है। फिर 2 मिनट बाद फिर पेस्ट करेगा, फिर 2 मिनट बाद फिर पेस्ट करेगा, अगर चेंज होगा तो इसको यूज कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट जो प्रॉब्लम मैंने समझ पाया था मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो मुझे आप कॉल कीजिएगा, मैं इस पर और रिसर्च करके इस रिलेटेड में वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा, और मेरे चैनल पे आप इसी तरह से बने रहें और लाइव मेरी क्लासेस जूम ऐप के थ्रू लेते रहें। थैंक यू।